हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट 247। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस वीडियो के थंबनेल को देख के आए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण झील बताऊंगा जो कि कई परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं और ये बार बार रिपीट किए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सारे जितने भी पेपर्स थे, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सब में से जो इम्पोर्टेंट जो झील से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको एक जगह रख दिया जाए, ताकि अगर वो एसएससी के पेपर में आए तो भी आप उसे करके ले जाए, और रेलवे में आए तो भी, और यूपीएससी में आए तो भी आप उसे करके ले जाए। पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी इस तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंच जाए और आप उसे देखना ना भूले। तो चलिए अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पे मैं दो पार्ट में बताऊंगा। पहला, विश्व की महत्वपूर्ण झील, दूसरा भारत की महत्वपूर्ण झील। तो विश्व की महत्वपूर्ण झील से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं आईएएस पीसीएस की परीक्षा में, और एसएससी में भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो वो सारे प्रश्न को हम लोग पहले पार्ट में रखते हैं, और छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एआरओ और भी बहुत छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हैं टेट के परीक्षा में, वो सारे परीक्षा में जो जो पूछा गया है भारत से ही पूछता है, विश्व से पूछता नहीं छोटे एग्ज़ामों में, तो उसको हम लोग पार्ट टू में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला मेरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो यहाँ से फ्रेंड्स पहला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है विक्टोरिया सुपीरियर बैकाल मिशिगन। तो सुपीरियर आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो लवणी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान झील, मृत सागर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वान झील। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए हैं, अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील और मृत सागर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृत सागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिकाका, माराकाइबो, अथावास्का, लैडोगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टिटिकाका आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील, अरल सागर। तो दोस्तों यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? टिटिकाका, टिसी सिकरू, रूडेल्फ, एडवर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिटिकाका। तो टिटिकाका से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। तो हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सिर्फ रख रहे हैं आपके सामने। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुपीरियर, मिशिगन, इरी और ऑन्टेरियो का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका मिशिगन।
आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो राइट आंसर। विक्टोरिया झील अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोलीविया में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी अफ्रीका में। तो यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया। ठीक है, ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा बार बार, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा की बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड, मालवी, विक्टोरिया, जेम्बेजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्टोरिया। कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया और इसराइल के बीच। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रूस और ईरान के बीच कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। अब कुछ ये मैच द कॉलम है, जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सुमिलित कीजिए, मतलब मिलाना है आपको। सूची वन है, ठीक है, झीलों के नाम जिसमें थी जैसे अरल सागर, मिशिगन झील, ग्रेट बियर झील, आयर झील, ठीक है। और सूची दो टू में दिया आपका कनाडा, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए, तो मैं बता देता हूँ आपको, अरल सागर जो है आपका कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। यह ऑप्शन नंबर ए वाला है यानी कि टू, ए का टू किस में है? अब ये और ये आपका ए का टू है। चलिए आगे देखते हैं, अब मिशिगन झील कहाँ है? तो मिशिगन झील कहाँ पे आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बी का थ्री से मिल जाएगा, तो कौन सा इसमें है? बी का यहाँ फोर लगाया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो बताइए, कैस्पियन सागर तो खारे पानी की झील है, ठीक है, वॉन झील भी है, ग्रेट सॉल्ट लेक भी है, सॉल्ट इसमें लगाई है। तो कौन सी झील है? बैकॉल झील, खारे पानी की झील नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ये तीन के बीच, तीन अफ्रीकी देश के मध्य में ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो सभी को पता है कि फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ये रेलवे में कई बार रिपीट किया है, तो रेलवे एनटीपीसी के लिए आपके लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अफ्रीकी महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा, करीबा। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यासा। न्यासा एक ऐसी
अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसी झील है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया किस देश में स्थित है, तुर्की। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके चार ऑप्शन हैं, लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर। तो दोस्तों, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरल सागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, न्यासा, टंगाइका, चाड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी रिसर्च करके मैंने ये क्वेश्चन खोजे हैं और कुछ क्वेश्चन बनाए भी हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यूरेशिया के अंत स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ वर्षों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ सबका चार ऑप्शन है, अरल सागर, भाल्क्स झील, कैस्पियन सागर और बैकाल झील। तो यहाँ सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर से एक और क्वेश्चन बना और ये क्वेश्चन मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है और एसएससी में भी आने के चांसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताइए, ग्रेट बियर कनाडा में है, बिल्कुल सही है, मिशिगन यूएसए में है, बिल्कुल सही है, टिटिकाका पेरू बोलीविया के बीच में बहती है, बिल्कुल सही है। गलत है आपका ये सी वाला, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, बाल्स झील और बैकाल झील। ठीक है, तो यहाँ से बताइए सही आंसर क्या होगा आपका, कैस्पियन सागर। तो एक कैस्पियन सागर से फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया। ईरान की सीमा को कौन सा स्पर्श करता है इनमें से? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, करदा झील, लिंक निम्बर झील। तो यहाँ से दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती? यहाँ आपके चार ऑप्शन हैं, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूक्रेन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूची मिलान करना है आपको, सूची दो में नगर दिए हैं, सूची एक में झीलें दी हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला इरी, मिशिगन, ऑन्टेरियो सुपीरियर, कहाँ कहाँ मतलब किस नगर में बहती है अमेरिका के? इरी का हो जाएगा डेट्रायट। ठीक है, ए का टू वाला, अब ए का टू वाले में यानी कि ये दोनों कट गए, अब ये और ये बचा है ए और डी, अब इन दोनों में देखते हैं। मिशिगन गैरी में बहती है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है, यानी कि इरी का हो जाएगा आपका डेट्रायट, मिशिगन का आपका गैरी, सी का ऑन्टेरियो का हैमिल्टन और सुपीरियर का आपका टुलुथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आप कोई भी मतलब वीडियो उठा के देख लीजिए यूट्यूब पे, कोई भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बताएगा, सिर्फ आप मेरे वीडियो में ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टोनले सेप नाम झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोनले सेप नाम झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यहाँ से आपका चार ऑप्शन है, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया,
लाओस। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल बताइए कौन सा सबसे गहरा स्थल है? सभी को पता है मृत सागर। यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झील का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? चलिए तो फ्रेंड्स, ये 5 ग्रेट लेक्स के बारे में पूछ रहा है और वो भी सीरियल वाइज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो के बाद इरी है, ह्यूरन है, मिशिगन है, सुपीरियर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। और नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकॉल झील, मिशिगन झील। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैस्पियन सागर। तो किस में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन है, टोबा, न्यासा, जान, टिटिकाका। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टिटिकाका। तो टिटिकाका से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपके बन गए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न के ऊपर। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखते हैं, ग्रेट बियर, बैकॉल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से आपका सुपीरियर पहला है, फिर विक्टोरिया है, फिर बैकॉल है, और फिर ग्रेट पियर है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि भारत के झील संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनमें मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको कवर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि पहला आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत की मीठे पानी की वुलर झील जो कि सबसे बड़ी झील है वो किस राज्य में स्थित है? यानी कि अब राज्य तो नहीं रहा, अब ये आपका किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा कश्मीर में। ठीक है, अब इसे गोकुल झील भी कहते हैं। ठीक है, गोकुल झील भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपका आंसर होगा चिल्का झील। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि नौसेना का परीक्षण केंद्र किस झील में बना है? तो लैगून झील में बना है। ठीक है, चिल्का झील को लैगून झील भी कहते हैं। अब यहां से आप देखिए, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुलढाणा की लोनार झील एक क्रेटर लेक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है यानी कि मैन मेड लेक है। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट प्रश्न आपका यहां बन जाएगा, स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना मोंटूर बांध के पीछे बनी झील है। ठीक है, तो स्टेनले जलाशय कहाँ पे बनी है कि कावेरी नदी के पर बने कौन से बांध? मोंटूर बांध के पीछे बनी हुई झील है। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएगा, वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, और केरल के किस द्वीप में स्थित है? वेलिंगटन द्वीप में स्थित है, जहाँ नौकायान प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा, राणा प्रताप सागर
जवाहर सागर और गांधी सागर, ठीक है, ये किस नदी पर स्थित झीलें हैं? तो चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। तो और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहर सागर कहाँ पे है, तो राजस्थान में, और गांधी सागर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा प्रश्न आपका क्या बन जाएगा, पेरियार झील कैसी झील है कि कृत्रिम झील है, ठीक है। अब एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ बन जाएगा, लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में, सभी को पता है, मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस झील में किबुलाम जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण द्वारा जून 2001 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद सागर झील है, या पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर बांगड़ा नाकल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से बन जाएगा, सांबर और डिडवाना लार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है, तो सांबर झील, बोलसेना लेक एवं डिडवाना लेक किसका उदाहरण है, प्लाया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बताते हैं कौन सी झील किस राज्य में है। तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है राजसमंद झील, तो कहाँ पे है, राजस्थान में है। पिघौला झील कहाँ है, राजस्थान। लुंगसर झील कहाँ पे है, राजस्थान। और डीडवाना झील तो आपका आया ही हुआ है क्वेश्चन, राजस्थान में, ठीक है। तो ये तीन न्यू आप सुन रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे झील का नाम। नेक्स्ट जो है आप लोग ये सुनिए, पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में कुछ और झील हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि फतेह सागर झील, ये भी राजस्थान में है। पंचपद्रा राजस्थान, नक्की झील भी राजस्थान में है, पुष्कर झील राजस्थान में, देबार झील राजस्थान में, ठीक है, इतनी झील और राजस्थान में है। अब डल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, पन्नाग झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। सो मोरारी झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील सबको पता है मणिपुर, अभी जब मैंने बताया कि पूर्वोत्तर में, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। सात ताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड, निकुचिया ताल उत्तराखंड, ठीक है, जो ताल ताल लगा है आखिरी में वो क्या है, उत्तराखंड में है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रा झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। खजियार झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कुछ और झील के बारे में देख लीजिए, जैसे कि ब्रह्म सरोवर हरियाणा, कोयला महाराष्ट्र में है। अन्नामुड़ी झील केरल में, मायोप गोवा, संगमी झील सिक्किम, चिल्का झील उड़ीसा, रूपकुंड उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड। तो ताल ताल लग गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। एक आपको याद रख लेना है अलग से, रूपकुंड, रूपकुंड भी आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट सूरज कुंड हरियाणा में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश, लोनार महाराष्ट्र में, बेम्बनाड झील सभी को पता भी बताए केरल में है, करंजी कर्नाटक, कुक्का करहाली कर्नाटक में है, शेषनाग झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलेगा।